नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं बेसिकली कि जब आप कहने का मतलब हो सकता है कि आपका जो है सो ये जो मैक्स ऑडियो है ये बेसिकली काम ना कर रहा हो और किसी वजह से जो है ये डिटेक्ट नहीं कर रहा हो हेडफोन। जैसे कि मेरे कंडीशन में अभी डिटेक्ट कर रहा है, अभी हम फिक्स किए हैं जस्ट, तो इसलिए अभी डिटेक्ट कर रहा है। और अभी रिकॉर्डिंग भी जो है सो मैक्स ऑडियो से ही हो रहा है, देख सकते हैं हेडफोन लगाए हुए हैं, तो ये हेडफोन का ऑडियो से जो है सो रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ पे कई बार होता है कि ये जो हेडसेट है ये नहीं आते रहता, ठीक है, एक्सटर्नल स्पीकर खाली आते रहता है। तो इसको फिक्स कैसे करें? तो इसको फिक्स करने का वैसे कोई तरीका नहीं है, मतलब ये प्रॉब्लम अराइज होता है क्योंकि आप कुछ गड़बड़ कर देते हैं सेटिंग्स में, ठीक है, तो उसके वजह से जो है सो ये प्रॉब्लम अराइज होता है। तो पहला गड़बड़ हम देखते हैं क्या करते हैं। पहला गड़बड़ जो करते हैं, आप स्टार्टअप में जो है सो HD बैकग्राउंड ऑडियो सब जो है इसको देखिए, HD ऑडियो बैकग्राउंड प्रोसेसर, रियलटेक HD ऑडियो मैनेजर और मैक्स वेव मैक्स ऑडियो, इस तीनों को पहले चेक कर लीजिए कि ये डिजेबल है या नहीं, मतलब इसको इनेबल करके रखना है। इसको आप डिजेबल कर देते हैं कई बार तो ये जो है सो प्रॉब्लम आता है। मेरे केस में यही इसी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपका इससे फिक्स नहीं हुआ तो आप कर सकते हैं कि आप जा सकते हैं कंट्रोल पैनल में गए और यहाँ पे जो है लार्ज आइकन के जो है सो लार्ज आइकन पे क्लिक किए, उसके बाद इसमें साउंड है तो साउंड में गए और साउंड में देख सकते हैं ये स्पीकर है, तो रिकॉर्डिंग में गए, हाँ आ गया, तो ये रिकॉर्डिंग है। तो ये जो है बेसिकली ये जो माइक्रोफोन देख रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाना है, उसके बाद यहाँ पे रियल टेक ऑडियो के सामने एक प्रॉपर्टीज है, इस पे जाना है और नेक्स्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे ड्राइवर पे जाना है, ठीक है। तो ड्राइवर अभी ये हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे चेंज सेटिंग पे क्लिक करना है। चेंज सेटिंग पे करने के बाद अब हाईलाइटेड हो जाएगा, तो ड्राइवर पे जाना। तो आपको अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करके जो है सो एक तो ऑटोमेटिक कर लेना है, ऑटोमेटिक ड्राइवर अपडेट कर लेना है। अगर इससे भी फिक्स नहीं हुआ तो ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर सॉफ्टवेयर जाना है, उसके बाद यहीं पर रहने देना है। उसके अंदर सॉरी यहाँ पे जो नेक्स्ट लेट मी पिक फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माई कंप्यूटर पर क्लिक करना है, उसके बाद कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो अनचेक होगा आप में तो इसको चेक कर देना है, ठीक है, इसको चेक कर देना है। और उसके बाद हाई डेफिनेशन रियल टेक ऑडियो, एक बार रियल टेक ऑडियो को और एक बार हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करके जो है इंस्टॉलिंग ड्राइवर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इससे भी आपका, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ड्राइवर जो है सो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। तो ये बारी बारी से जो है ना उस दोनों ड्राइवर को जो है सो मतलब अपडेट कर लीजिएगा मैन्युअली, इस दोनों को बारी बारी से करके देखिएगा। अगर काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन बच जाता है वो आपके पास वो ये होता है कि आपको पूरा का पूरा डिवाइस अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। और हाँ एक बात और कि ड्राइवर को मतलब अपडेट करने के बाद जो है सो आप सिस्टम रीस्टार्ट ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार सिस्टम रीस्टार्ट किए बिना जो है सो ड्राइवर काम नहीं करेगा, तो रीस्टार्ट करके देखिएगा, उसके बाद हो सकता है काम करे। और अगर नहीं काम किया तो लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से। इस तरीके का तो नहीं है डिवाइस से प्रॉब्लम, मतलब दूसरा प्रॉब्लम होगा तो अलग बात है। तो लास्ट ऑप्शन है कि आप डिवाइस को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। जो अनइंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा ना, तो डिलीट डिलीट पे क्लिक नहीं कीजिएगा, इसको डिलीट नहीं करना है। ये ड्राइवर है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर को डिलीट नहीं करना है, तो याद रखिएगा, इसको अनचेक करके रखिएगा। इसको चेक कर दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा का पूरा, तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। उसके अनइंस्टॉल कीजिएगा तो रीस्टार्ट करने के बाद ना वो डिवाइस दोबारा से कनेक्ट होता है, तो कहने का मतलब वापस आ जाएगा और बोला है रीस्टार्ट करने के लिए, तो हमको नहीं करना है। तो उसके बाद जो है सो आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। और इसके बाद अगर इसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से आपको कोई और तरीका ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो करकराहट का साउंड अंत में इसलिए आ रहा था क्योंकि जो है मतलब ड्राइवर फिर से इंस्टॉल करने की वजह से जो है सो सारा का सारा सिस्टम जो है सो गड़बड़ा गया था, तो उसको अब हम ठीक कर चुके हैं, तो अब थोड़ा साउंड बेटर होगा, तो ठीक है।